ब्लॉग शुरू हो गया है। आ गए हैं हम लोग विंटर कैंप पर। वेदर अच्छा था, रेस्ट लेना था आज, लेकिन नहीं लिए क्योंकि ये वेदर यहाँ पे मिलना मुश्किल होता है। तो सोचा चलो आज विंटर कैंप से भी देख के आ जाते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। एंट्रेंस है, एंट्रेंस मतलब यही नहीं है, बहुत सिक्योरिटी चेकिंग वगैरह जैसे एयरपोर्ट वगैरह पे होता है ना, वो सब यहाँ पे भी होता है। वो सब करके हम लोग आ गए हैं अंदर। यहाँ से शुरू कर रही हूँ क्योंकि वहाँ पे टाइम नहीं होता है शूट करने का, क्योंकि जल्दी जल्दी करना रहता है ना, इसलिए। तो अब अंदर घुस गए हैं, वॉक शुरू हो गया हमारा। यहाँ पे धूप दिख जाए बहुत बड़ी बात है। वॉक करते हुए चलते हैं। धांसू लग रहा है, एकदम धांसू। किला है, किला। सेकंड टाइम हमारा, फर्स्ट टाइम है भाई, हम फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। मेरे हस्बैंड का सेकंड टाइम है। ब्यूटी, ब्यूटी देखो, पत्थर की, पत्थर की, और किसी भी चीज़ की नहीं, पत्थर की। यहाँ पे क्यों लाइन लगी हुई है, क्या है यहाँ पे भाई? यहाँ लाइन बड़ी डर लग रही है, हर जगह लाइन लग रही है। विंटर कैसल का मैं ये वॉल दिखा रही हूँ। ये शार्प शार्प पत्थर लगा हुआ है यहाँ पे, सिर्फ सीमेंट नहीं है, ये पत्थर है, ताकि कोई क्लाइम वगैरह ना कर पाए, कर पाए। इस तरह से ये बनाया गया है, टूटने वाला है ही नहीं। Don't want to wait for a multimedia guide, please do feel free to continue, okay? Shouldn't be too long. Thank you very much indeed. Okay, thank you. हम वेट करेंगे, हम कहीं और नहीं जाएंगे। अगर हम घुस गए हैं, यहीं पे जाना है। कुछ तो मिल रहा है, अच्छा 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 अच्छा। यहाँ पे हम सब धस गए हैं, हेडफोन, और यहाँ पे एक मिनट, हाँ ये मिल गया है। इसके द्वारा हमें सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा सीधा, और हम आपको नहीं सुना सकते, हम खुद ही सुन सकते हैं क्योंकि हेडफोन लगा हुआ है। टूर गाइड भी ले सकते हो, लेकिन टूर गाइड ना लेके आप ये भी ले लो ना, तो भी ऐसा ही है। अब ये देख रहे हैं और इसके बारे में सारा इन्फॉर्मेशन हमें मिल रहा है, पर आपको नहीं मिल पाएगा क्योंकि हम आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। इतना ऊंचा ये बना दिया है कि नीचे हमें दिख ही नहीं रहा है प्रॉपर। क्या इसमें सेक्शन वाइज हमें सिलेक्ट करना है? ओके, इसमें शूट करना बड़ा टफ हो जाएगा। हम कौन से सेक्शन में आए भाई? काफी ह्यूज है। जाना है, कहाँ भी जाना है, वहाँ भी जाना है। हम लोग यहाँ चैपल में जा रहे हैं, यहाँ अंदर कहीं भी इनसाइड कैमरा या वीडियो करना, फोटो खींचना अलाउ नहीं है, इसलिए मैं बाहर करके अभी रख दे रही हूँ। अब बाहर निकलूँगी तब मिलेंगे। यहाँ यहीं से घुसना है, ये है गेट।
यहाँ का डोर देखो, ये डोर लकड़ी का, जैसे हम लोगों के गांव में नहीं होता था ऐसा। निकल गए हैं हम बाहर वॉक करते हुए, थोड़ा सा ब्रेकिंग प्रॉब्लम भी हो रहा है क्योंकि ऊपर नीचे है ना। अभी यहाँ से ये पूरी दुनिया बसी हुई है, ऊपर ट्रेन भी जा रहा है। ये सब जो बनाया गया है ना यहाँ पे, इतनी मजबूती है इसमें, इतनी मजबूती है ना, इसको कोई भी हिला नहीं सकता है। हर चीज़ की आयु होती है ना, मुझे नहीं लगता है इन सब चीज़ों की आयु है, इन दीवारों की बनावट कोई नहीं। जब प्रलय आ जाएगा ना, दुनिया समाप्त हो जाएगी, ये पानी में डूब जाएगा, इसको कोई तोड़ नहीं सकता। हो बाहर निकल गए हैं। ये देखो जिस बनावट की मैं बात कर रही हूँ ना, ये इसको कोई हिला नहीं सकता, कोई हिला ही नहीं सकता। लग रहा होगा ना क्या बकवास कर रही हूँ, लेकिन सही बोल रही हूँ। इसकी आयु, आई डोंट थिंक इसकी आयु होगी। मेरा ग्रुप कहाँ गया, फिर से लाइन में लगा है मेरा ग्रुप। हर जगह लाइन है यार, हर जगह। यहाँ से नीचे का व्यू है, हम कहाँ जा रहे हैं, किस चीज़ की लाइन है, लेकिन लाइन में हम भी हैं। यहाँ पे ये जो लाइन लगी हुई है ना, ये है जो इन लोगों का जो रूम होता है, राजा लोगों का, किन लोगों का कैसा होता है, वो सब देखने जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे भी कैमरा अलाउड नहीं है, तो हम नहीं शूट कर सकते अंदर। और यहाँ के जो किंग हैं, मैं क्या बोल रही थी, यहाँ के जो किंग हैं आधा टाइम यहाँ पे रहते हैं, आधा टाइम बकिंगम में रहते हैं। तो इधर है आधा आधा टाइम रहते हैं। मैं सोच रही थी कभी आलस नहीं लगता होगा यार, छोड़ कौन जाएगा, एक ही जगह में लेते हैं। राजा लोगों के ठाक तो अलग ही होते हैं, हाँ मेरी आवाज़ का। थोड़ी देर के बाद मिलते हैं आपको। इसी के अंदर हम घुसे हुए थे, यहाँ से पूरा वहाँ से लेके यहाँ से हम निकले हैं, एग्जिट किए हैं। इसमें भाई है जो राजा महाराजा हैं उनके पहनावे, बेडरूम, सारे उनके अवजार, धातु वगैरह सब इसमें है। वही सब हमें देखना था, अच्छा था, बहुत अच्छा था। दिखाने लायक तो था, अंदर बहुत ही खूबसूरत था, नहीं दिखा सकते रिस्ट्रिक्शन। चलो अब देखो यहाँ से कहाँ जाते हैं, मैंने कंप्लीट कर लिया है। हम आ गए हैं कॉफ़ी शॉप में, थोड़ा सा स्नैक्स वगैरह लिया है, कॉफ़ी पीने बैठे हैं। मैंने सोचा अपने ब्लॉग को इसी पे एंड कर दो। अब यहाँ से हम कहीं जा रहे हैं, ऑलरेडी डार्क होने लगा है, घर जाएंगे यहाँ से। अभी हम शूट नहीं कर पाएंगे, तो हमारा कॉफ़ी देखो, ब्लॉग को एंड करते करते कॉफ़ी भी दिखा लेती हूँ आपको। यहाँ पे पूरा एक मग्गा भर के, एक गैलन भर के हमने कॉफ़ी लिया है। इसका भी कहना मस्त एनर्जी आने वाली है, ठंडी में गर्मा गर्म कॉफ़ी लग रहा है ना, अमेजिंग। चलो अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ, तब तक के लिए।